it wasn't. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين. سيدنا وسيد الأولين والآخرين. حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد یہ سلسلے مباحث اخلاقیہ مجالس عرفانیہ کا چھٹا حلقہ ہے آج وہ مقام شکر ہے کہ پروردگار نے یہ ساعت بھی نصیب فرمائی کہ اس وقت پھر ہم لوگ علم اخلاق و مقدمات علم فتوات پر کچھ گفتگو کریں. مقصد گفتگو ظاہر ہے کہ صرف گفتگو برائے گفتگو نہیں, مقصد گفتگو ایک سفر کی تکمیل ہے. سفر تو شروع ہو چکا ہے بحمدللہ. اس سفر کی تکمیل بھی اسی رب کریم کی تائید مسلسل سے ہی ممکن ہے, لیکن ہم پر کوشش کرتے رہنا بھی لازم ہے. یہ کسی اور موقع پہ بھی میں عرض کر چکا ہوں, اور یہ صرف سخن گسترانہ بات نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ بحیثیت ایک وجود ممکن, اور وہ بھی وجود ممکن مرید, وجود ممکن مختار, چونکہ یہ تو واضح کر چکا ہوں کہ انسان مجبور محض نہیں ہے اور انسان بے ارادہ نہیں ہے. وجدانن ہم اور آپ اپنے اندر ارادہ پاتے ہیں. آپ اپنے گھر سے اس بحث میں شرکت کے لیے تشریف لائے تو ارادے سے آئے, بے ارادہ آئے, ارادے سے آئے, اپنے اختیار سے آئے, جبرن آئے, اختیار سے آئے. تو یہ وجود ممکن مرید, یہ وجود ممکن مختار, مرید و مختار ہونے کی حیثیت سے اس کا کل سرمایہ, اصل سرمایہ, اصل کیپٹل سعی ہے, کوشش, باقی کچھ ہمارا آپ کا نہیں. نہ زمین ہماری ہے نہ آسمان, کچھ ہمارا نہیں. لیس للانسان الا ما سعى, انسان کا اصل سرمایہ, انسان کی اصل پونجی, انسان کا کیپٹل, اس کی کوشش, سعی.
तो सही को कोशिश को हकीर ना समझे, सही हो और सही संत में हो, कोशिश हो और सही संत में, सही डायरेक्शन में कदम उठाएं। अगर हमने सोच समझ के अपने इख्तियार से अपने इरादे से सही संत में कदम उठाया तो उसका मुसबत नतीजा हासिल होना समझिए कि जमानत शुदा है। इस बात की जमानत है कि नतीजा अच्छा मिलेगा और यह जमानत उस ذات बारी तआला की तरफ से, अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ला शानुहु। एकदम से जहन में एक बात आ गई तो अर्ज कर लूं इसी मौके पर, इस्तित्रादन समझिए कि ये मतलब इस तसलसल में नहीं है लेकिन इस वक्त तो इसी तसलसल में आ गया कि जो कोशिशें करते हैं, मैंने अर्ज किया कोशिश करें हम और सही संत में कदम उठाएं, तो दो चीजें हैं, सही संत का तायुन और कदम उठाना। सही संत का तायुन यह है इख्तियार या हुस्न इख्तियार, और कदम उठाना यह है इरादा, आपका इरादा किया और आगे बढ़े। ये जो सही समझ का तायुन करके कदम उठाना है, उसके बाद मैंने ऐसा किया कि नतीजा फिर गोया इसकी जमानत है कि नतीजा अच्छा होगा, तो जमानत उस परवरदिगार की तरफ से। अब इसमें सवालात बार बार आ जाते हैं बीच में कि ये अक्सर होता है कि बीच में रुकावटें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, जिसे हम आजमाइश और इम्तिहान कहते हैं, इसकी क्या हकीकत है? कभी कभी इंसान ये समझता है कि हमने कदम तो सही उठाया था लेकिन नतीजा जो है तवक्को के बरखिलाफ हुआ। ये बहुत बड़ा मौजू है जो बहुत से लोगों की फिक्रों को मशगूल रखता है और यहाँ तक के लोगों के एतिकाद में, ईमान में तजलजुल पैदा हो जाता है। ये बहुत बड़ा मसला, कभी इस पर हमने तफसील से गुफ्तगू की थी, हालांकि वो गुफ्तगू भी बड़ी हद तक आगे बढ़ने के बावजूद नातमाम रह गई थी। ईमान और इम्तिहान के मौजू पे मुसलसल हमने तकरीरें की थी अशरे उला में भी और उसके अलावा भी। ईमान और इम्तिहान, जहां ईमान होता है वहां इम्तिहान भी होता है। यहां पर सिर्फ एक बात की तरफ इशारा कर कुरान मजीद में है, इंसान को ईमान की उस मंजिल पे होना चाहिए कि जहां वो ये समझे कि कोई मुसीबत भी हमारे ऊपर नहीं आ सकती जब तक कि वो उसकी तरफ से हमारे लिए लिखी हुई ना हो। लन युसीबना इल्ला मा कतब अल्लाहु लना। यहां पर बस इस आयत के एक हर्फ की तरफ तवज्जो दिला के मांग के पड़ जाते हैं। इस वक्त बहस बहुत तफसीली है, बहुत तभी उर्दू में भी मुहावरा है मुसीबत पड़ना, हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई। यहां आयत में नहीं कि कहा गया है कि लन युसीबना इल्ला मा कतब अल्लाहु अलैना, ये नहीं कहा गया, इल्ला मा कतब अल्लाहु लना, यानी जो उधर से आजमाइशें होती हैं वो भी इंसान के खिलाफ नहीं जाती, इंसान के हक में जाती हैं। अलैना और लना का फर्क है, जब भी कोई
मुश्किल खुद ब खुद आपने सही इंतखाब किया, आपने सही डायरेक्शन में एफर्ट्स की, सही समय में कदम आगे बढ़ाया और फिर एक रुकावट आ गई। आप यकीन कीजिए कि ये रुकावट आपके हक में है, इससे आपके इल्म में और तजर्बे में कोई ना कोई इजाफा होगा मुस्बत, और आपके सरमाए हस्ती में इजाफा होगा, नुकसान नहीं होगा, खसारा नहीं होगा, इफादा होगा, फायदा होगा। ये जहने आली में रहे। अब जाहिर है ये बहुत बड़ा मौजू है, वैसे बहुत से लोग बहस करेंगे, और जो लोग एतिकाद ही नहीं रखते, ईमान ही नहीं रखते, उनकी बात अलग है, वो हमारी हर बात का मजाक उड़ाते हैं, इस बात का भी मजाक उड़ाएंगे, मगर हकीकत यह है कि जब खुद से कोई मुश्किल दरमियान में आती तो वो इंसान के इल्म और अमल में बहुत कुछ इजाफे के और बरकत के अबवाब खोलती है। बहरहाल ये एक बात थी जो दरमियान में अर्ज की मैंने, वैसे ज़हन में रखिएगा कि नस कुरानी है इल्ला मा कतब अल्लाहु लना, ये नहीं इल्ला मा कतब अल्लाहु अलैना, नहीं, वो मुसीबतें हमारे जरर में नुकसान खत्म तमाम नहीं हो, ये नहीं है कि उससे हमारा नुकसान हो, उससे हमारा फायदा हो, वो हमारे हक में है, हमारे खिलाफ नहीं। तो अगर हमने सही समत में कदम उठाया तो इंशाअल्लाह इसका फायदा होगा, और हर वजूद मुमकिन अपनी एक मंजिले कमाल तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। गुज़श्ता मजलिसे दरसो बहस में एक बहुत ही अहम और जरूरी और बुनियादी और अमली सवाल तक पहुंच गए थे हम लोग, और उस सवाल का जवाब देना भी शुरू कर दिया था, या सवाल के जवाब की जस्तजू में आगे बढ़े थे, वो ये कि अगर हम आज ये चाहें कि अपनी अखलाकी शख्सियत को दुरुस्त करें तो पहला कदम क्या होना चाहिए, सवाल ये था, आगाज कहां से करें। और मैंने अर्ज किया था इसका जवाब के वो सिफत जिसे हिकमत कहते हैं वो पैदा करने की कोशिश सबसे पहले की जाए, यानी सबसे पहले शख्सियत में इल्मी कुव्वत और इस्तेदाद को मुस्तहकम किया जाए। अगर इल्मी कुव्वत अकली कुव्वत मुस्तहकम है तो फिर दूसरी कुव्वतें भी मुतवाजिन और मुतदिल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर इस्तिदराक के तौर पर यानी बहुत सी बातें जो छूट गई थी उनमें से कुछ बातों का तज़किरा करते हुए हम इस बात का तज़किरा करना चाहेंगे कि कभी कभी ये जुज़ई मसला है, यानी शख्सी और जुज़ई मसला है, फर्द फर्द के मसाइल अलग होते हैं। एक है जनरल फार्मूला के अखलाकियात को दुरुस्त करना हो तो कहाँ से शुरू करें, कुव्वत आकिला को दुरुस्त करें, हिकमत पैदा करें, कुव्वत इल्मी को बढ़ाएं। इल्म अगर होगा और आकल दुरुस्त होगी तो इंसान जिंदगी के तमाम मसाइल को एक तवाज़ुन और इत्तेदाल के साथ लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन मुमकिन है कि कहीं कोई ऐसा शख्स भी हो जिसके पास अकल है, इल्म है, लेकिन जरूरत यह है कि सबसे पहले वो इफ्फत पैदा करें, ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो उसके लिए उसकी निस्बत से जाहिर है कि गुफ्तगू फिर नुक्ता अव्वल होगा इफ्फत। बेइफ्फती यानी शहवतों को आजाद छोड़ देना पूरी शख्सियत को तबाह कर देना, बेइफ्फती इंसान की शख्सियत को तबाह कर देना। इल्म और फ़ज़ल और कमाल और शुजाअत और हिकमत सब गारत कर देती,
मेरे प्रति। अब मैं मोटी मोटी इस्तेलाहों से बच के, बिल्कुल चूंकि ये भी शिकायत आ गई थी कि इस्तेलाहों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, हालांकि इतना नहीं किया है मैंने इस्तेमाल, लेकिन इस्तेलाहों को सुनना भी जरूरी है, इस्तेलाहों से आशना होना भी जरूरी है। अब बाज बहुत ही मामूली सी बातें लोग समझे नहीं, लेकिन ये मामूली बातें नहीं है। आपने पुराने हकीमों का तस्किरा सुना कि पुराने हकीम तबीब ऐसे होते थे जो मरीज का चेहरा देख के उसकी बीमारियां बता दिया करते थे। ये किस्से कहानियां नहीं है, ये हकीकत है। ये इंसान का चेहरा जो है, ये बहुत सी चीजों का आईना होता है। और फिर अगर कोई शख्स इसी इल्म में महारत रखता या नब्ज देखकर, अब भी ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे तबीबों से मिला जो आप जदीद निज़ाम में तिब में ब्लड टेस्ट और मुख्तलिफ ये जो आजमाइशें होती हैं और मुख्तलिफ एक्सरे और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और इन सब के बाद जिन नतीजे तक जिन नतज तक पहुँचते हैं, वो लोग नब्ज देख कर बता देते हैं कि ये बीमारी है आप, और बिल्कुल 100% दुरुस्त बताते हैं सिर्फ नब्ज देख कर। हैं ऐसे लोग इस वक्त दुनिया में मौजूद और अच्छी खासी तादाद है उनकी, तो इसी तरह बेइफ्फती, इस बीमारी की शनाख्त कहाँ से करेंगे आप? बेइफ्फती लफ्ज बहुत बड़ा है, इफ्फत किसी में पाई जाती है, अफीफ है शख्स यानी उसे अपनी शहवतों पर कंट्रोल है, यानी अंदाजा कहाँ से लगाएंगे, शुरुआत कहाँ से होगी? ये बुजुर्ग हजरात जो जिनकी वजह से, जिनके जलाल व जमाल की वजह से खानकाहों ने अजमतें पाईं, ये जो खानकाह नशीं बुजुर्ग हुआ करते थे, या मुअल्लिमीन अखलाक जो अखलाकी तरबियत किया करते थे, ये किस तरह एक एक शख्स को पहचान लेते थे और उसके हसब हाल नुस्खे तजवीज़ करते थे कि तुम्हारे लिए ये दस्तूरुल अमल है, तुम्हारे लिए ये दस्तूरुल अमल है, तुम्हारे लिए ये दस्तूरुल अमल है, किस तरह? तो उसकी चंद मिसालें मैं अर्ज कर दूंगा आपके साथ। आप दस्तरखान बिछाइए और लोगों को कहिए बिस्मिल्लाह, तनावुल फरमाए। हर इंसान जिस तरीके से अपने ग़िज़ा की तरफ, अपनी प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाएगा और जिस तरीके से खाएगा और जिस तरीके से लुक्मे को चबाएगा, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितनी इफ़्फ़त पाई जाती है और कितनी नहीं। और उसी एतबार से तजवीज़ कर दी जाएगा कि भाई आपके लिए ये नुस्खा है, आपके लिए नुस्खा है, आपके लिए नुस्खा है। इंसान को अपनी भूख पर, अपनी शहवत पर, अपनी ख्वाहिश पर कितनी गिरफ्त है, कितना कंट्रोल है, कितना जब्त है और कितना नहीं है। दस्तरखान पर टूट पड़ना, घेर के खाना खाना, अपनी जरूरत से ज्यादा अपनी प्लेट में ले लेना, निवाला तोड़ने का अंदाज, मुंह में रखने का अंदाज, मुंह को हरकत देना, निवाला चबाने का अंदाज, निवाला चबाने के अंदाज जो आवाज पैदा होती है, आपकी आवाज, आपके मुंह की आवाज दूसरा सुन सके, या जबड़ा इस तरह चले जैसे चौपायों का जबड़ा चलता है, इन सब चीजों से अंदाजा होता है कि यह शख्स कितना मुहज्जब है या कितना मुहज्जब नहीं, ये शख्स में, इस शख्स में कितनी इफ्फत पाई जाती है, कितनी इफ्फत पाई नहीं पाई। इसलिए कि भूख का ताल्लुक और ग़िज़ा लेने का ताल्लुक ये इसी कुव्वत-ए-शहवानिया से है, वो कुव्वत जो आपके वजूद को
बाकी रखने के लिए जरूरी है, जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, पर खाना खाने की तहजीब, किस तरीके से आप रोटी उठा रहे हैं, किस तरीके से निवाला तोड़ रहे हैं, किस तरीके से मुंह में रख रहे हैं, खुद अपनी प्लेट को देख रहे हैं या दूसरों की प्लेट को देख रहे हैं। एक चीज बहुत लजीज है, उम्दा है, आपको पसंद भी है, दूर रखी हुई है दस्तरखान पर, आप दस्तरखान के सिरे पे बैठे हैं और नजर जो है आपकी वही है। बस मिसालें देखिए, ये अब जरा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई बात, लेकिन ये है सोचने समझने और डिस्कस करने की बात। तहजीब नफ्स, इन चीजों को लोग अहमियत नहीं देते ना। तहजीब नफ्स, जो शख्स दस्तरखान पर यानी बज्म में अपनी शहवतों पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो खलवतों में क्या कंट्रोल करेगा। और फरमाना, एक जुमला काफी है सोचने के लिए। जो शख्स अपनी पसंद की चीज हासिल करने के लिए आदाब मजलिसी का ख्याल नहीं कर सकता, वो तन्हाइयों में क्या करेगा अपनी शहवत की तस्कीन के लिए। इसलिए ये बहुत बड़ा मसला है। इफ्फत, जिंदगी की जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हों, मगर अदब के साथ, तहजीब के साथ, इंसानी कदरों के साथ। तहजीब, कोई कोई हम ये नहीं कह रहे कि इंसान के अंदर, इंसान हैवान नातक है, उसमें एक जुज हैवान, हैवान जिन्स है, हैवान नातक है, नातकियत फसल है, लेकिन उसकी जिंदगी में हर चीज में ये मालूम होना चाहिए कि ये इंसान है, हैवान नहीं है, हैवान महज नहीं है। बकरी भी खाती है, गाय भी खाती है, और जानवर भी खाते हैं। इस पूरी कायनात में जितने जानवर हैं, उन जानवरों में वाकई इस इंसान का जो ढांचा बनाया है परवरदिगार ने, आपके अलावा किसी और को सरबुलंद बनाया है, हक ने आपको सरबुलंद बनाया। वही कोशिश कीजिए कि ये जो सर बुलंद है ये बुलंद रहे, झुकने ना पाए, झुके तो उसी के आगे जिसने सरबुलंदी अदा की है, उसके अलावा किसी के आगे झुकेगा तो इसका मतलब आपकी शख्सियत में टूट फूट हो गई, कहीं कोई तवाजुन खो बैठे, एतदान खो बैठे। आपने आपको, खालिक ने आपको सर बुलंद बनाया। सबसे ज्यादा सर झुक जाता है कब? इंसान अगर शहवतों पे कंट्रोल ना करे। सर झुकता है, नजर झुकती है, आबरू जाया हो जाती है इंसान की। शख्सियत का पानी उतर जाता है। इसे मुहावरे है ना जमाने में, अब ये मुहावरे बोले नहीं जाते। आबरू, चेहरे की आग, आबरू, तो परवरदिगार ने आपको सरबुलंदी भी अता की है और आबरू मंदी भी अता की है। ये सरबुलंदी और ये आबरू मंदी बाकी रहे, इसके लिए पहली चीज है बहुत से मकामात पर बहुत से अशख़ास की इफ्फत, शहवतों पे कंट्रोल। वो बात बिल्कुल अपनी जगह है कि पहला कदम इल्म और अक्ल और हिकमत का पैदा करना, लेकिन सानवी हुक्म यह है, जो कि बहुत से हजरात की नजर में यही अव्वली हुक्म का दर्जा रखता होगा। बहुत से हजरात के लिए इलाज यहीं से शुरू करना पड़ेगा। देखिए ना, कभी कभी ये होता है कि असल मरज तो कुछ और है लेकिन दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, तड़प रहा है मरीज दर्द से, तो कोई ऐसी दवा दी जाती है कि दर्द जरा थम जाए ताकि उस
बीमारी का इलाज हो सके। तो असल चीज है पूरी अखलाकी शख्सियत को तवाजुन बख्शने के लिए पहली चीज उस वस्फ का पैदा करना है जिसे हिकमत कहते हैं। इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती, लेकिन बहुत से मवारिद पर, अक्सर व बेशतर मवारिद पर इफ्फत का मसला है। और इफ्फत का ताल्लुक खाने पीने के अहकाम से लेकर, नजर के अहकाम से लेकर, बोलने के अहकाम से लेकर, और फिर जाहिर सी बात है कि खलवत के बहुत से अहकाम हैं जो इसमें शामिल हैं, बज़्म से लेकर और तन्हाइयों तक इफ्फत। अब यहाँ पर अपना पुराना जुमला जो मैंने मिंबर पर अर्ज किया था वो याद आ गया, जबान पे आ रहा है तो अर्ज कर दूं कि देखिए हक सुबहानहु व तआला ने कोई जायज लज्जत ऐसी नहीं है जिससे इंसान को महरूम रखा हो, बस ये है कि हक सुबहानहु व तआला ने हर लज्जत को हासिल करने के लिए उसका सही वक्त और सही माहौल और सही मकाम तजवीज फरमाया है। मैंने जरा एक जरीफाना जुमला ये कहा था कि आप हजरात अगर ये समझते हैं कि शराब खाई भी कोई अच्छी चीज़ है तो अल्लाह ने शराब पीना भी हराम नहीं करार दिया है, मगर जन्नत में, यहाँ हराम है, क्योंकि यहाँ शराब का नुकसान है कि यहाँ शराब अकल को ज़ाहिर कर देती है। जन्नत की शराब वो शराब नहीं होगी जो अकल को ज़ाहिर करे, बल्कि जन्नत की शराब वो होगी कि जिससे और कुव्वत आकिला और इंसान की विजदानी कुव्वत हमेशा बढ़ती ही चली जाए, फैज मुसलसल रहेगा, फैजान मुसलसल रहेगा। हमारे पास कोई कुव्वत ऐसी नहीं है ना ज़ाहिरी ना बातिनी कि जिससे हम जन्नत की कैफियतों को समझ सकें या बयान कर सकें, मगर ये कि बस एक ही वसीला है और वो है वही का वसीला, और वही के वसीले से हमें हजरत खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि के मुबारक वसीले से हम तक जन्नत की तफसीलात आ चुकी हैं, जहन्नम और आखिरत की तफसीलात आ चुकी हैं, लेकिन अभी हमें इस दुनिया में रहकर अपने अखलाक को दुरुस्त करना है और फतूहत तक पहुंचना है, ये याद रखिए। मौजू मेरी आंखों से ओझल नहीं है, मगर ये सब मुकदमात जरूरी है। पलट कर हम फिर आते हैं हिकमत की तरफ, याद रखिए बहुत से लोगों के लिए इफ्फत। अब तीसरा मरहला, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए नुक्ता आगाज यह है कि उनके तहवुर पे कंट्रोल किया जाए, यानी बहुत से लोग हैं इफ्फत है, इल्म दानिश है, मगर जब गुस्सा आता है तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहां कंट्रोल करने की जरूरत होती है। ऐसे लोग तहवुर को शुजाअत तक लाने की जरूरत है। अब जिन हजरात को मेरे ये जुमले याद होंगे, याद होंगे, नहीं याद होंगे तो मैं इस वक्त अर्ज कर दूं, ये बातें मुकर्रर अर्ज करने में फायदा है। इसके लिए नहीं कह सकते कि लैस फिल इआदत इफादा, कभी कभी फिल इआदत इफादा होता है, कभी कभी बात मुकर्रर अर्ज करने में फायदा होता है। मीर अनीस अलैहि रहमा का मशहूर मिसरा है, मतला है मरसिए का, हजरत हुर की शान है, बखुदा पारिस मैदान तहवुर था हुर, बखुदा फारिस मैदान तहवुर था हुर, एक दो लाख सवारों में बहादुर था हुर। बेपनाह मरसिया है, अनीस के शाहकार मरसियों में से एक। इसके पहले ही मिसरे पर गौर कीजिए, उर्दू में लफ्ज तहवुर ज्यादा आम है या लफ्ज शुजात? शुजात
अनीस क्या सबसे बड़ा वस्फ क्या है? मीर अनीस अलैहि रहमा का सबसे बड़ा वस्फ यह है, सबसे बड़ी सिफत यह है, खसूसियत यह है कि वो सलीस जबान इस्तेमाल करते थे, गरीब अल्फाज नामानूस अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते थे बल्कि मानूस अल्फाज इस्तेमाल करते थे ज्यादातर है। तो उर्दू में सामने की लफ्ज या सामने का लफ्ज दोनों जायज हैं। लखनऊ वाले दबिस्तान लखनऊ में लफ्ज को तानीस के साथ बोला करते थे लोग, और दिल्ली वाले तस्कीर के साथ, और ख़ास तौर से जमा जब बोलते थे, अगर मुफरद में मुजक्कर तो जमा में लफ्ज़े हैं तो बहरहाल मुअन्नस ही बोलते थे। तो शजात का कलिमा, शजात की लफ्ज या शजात का लफ्ज सामने का, इसे छोड़ के मीर अनीस ने कहा बखुदा फारिस मैदान तहव्वुर था हुर। ये याद रखिए कि हजरत हुर की शान में है ये मरसिया। तहव्वुर शुजाअत, दोनों कलिमा दोनों अल्फाज का वजन आरूजी एक है। अगर ये मिसरा यूं पढ़ा जाए बखुदा फारिस मैदान शुजाअत था हुर, मिसरा साफ है, बखुदा फारिस मैदान शुजाअत था हुर। इन अनीस ने ये नहीं कहा, अनीस ने कहा है बखुदा फारिस मैदान तहव्वुर था हुर। क्यों? मुझे यकीन है अगर यही मरसिया हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहि सलाम की शान में होता तो मीर अनीस अलैहि रहमा क्या फरमाते? मीर अनीस यही कहते हैं कि बखुदा फारिस मैदान शुजात, अब जिस तरह से भी वो हजरत अब्बास की शान में कहते हैं बखुदा फारिस मैदान शुजात था वो। लेकिन जनाब हुर के लिए चूंकि ये मरसिया था इसलिए अनीस ने सोच समझ के तहव्वुर के कलिमे का इंतखाब किया, क्योंकि तहव्वुर इल्म अखलाक में शुजात का कमाल नहीं बल्कि नक्स है। तहव्वुर के मानी है कुव्वत का या गैज़ व गज़ब का जाओ बेजा इस्तेमाल, जो कि हुर ने किया, ठीक है। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे थे रास्ते में इमाम हुसैन को रोका, इमाम हुसैन के लिजाम फरस पे हाथ डाल दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनकी मर्जी के मुताबिक चलने नहीं दिया, सहराए करबला तक ले कर। ये इकदाम सब अखलाकी इकदाम थे, दुरुस्त थे, वो अपनी कुव्वत का इजहार तो कर रहा था। बाद में इसी हुर ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर तौबा करके और अपनी कुव्वत को सही समझ में सर्फ किया। कुव्वत का सही समझ में सर्फ करना शुजात है, कुव्वत का बेजा इस्तेमाल तहव्वुर। तो चूंकि हुर अलैहिस्सलाम अब जाहिर शहीद राह खुदा है अलैहिस्सलाम, लेकिन अलैहिस्सलाम होने से पहले हुर उसने अपनी कुव्वत का इस्तेमाल सही समझ में किया और गलत समझ में भी किया। मारिफत थी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, मारिफत थी, अखलाकी शख्सियत इतनी कमजोर नहीं थी हुर की, लेकिन उसकी जो कुव्वत है गज़बिया थी वो उस वक्त तक ताबे थी बातिल मरकज की, और इसलिए वहां पर तहव्वुर का इजहार। तो ये नादिर मिसालें हैं हमारे माशरे में, यानी कमतर, नादिर तो नहीं कह सकते कमतर। पहली मंजिल है इल्म अखलाक
की रोशनी में अगर इंसान अपने नफ्स की तरबियत करना चाहे तो हिकमत की कुव्वत एतदाल में लाए। दूसरी मंजिल आए जो कि बहुत ज्यादा मुब्तला पे है इफ्फत। तीसरी मंजिल है शुजात, गुस्से के इजहार में इंसान को कंट्रोल हो जिस कदर भी हो सके। बुनियादी वैसे वही बात कि अगर इल्मी इस्तिलाहों में और इल्मी अप्रोच मेथोडोलॉजी को सामने रखते हुए बात आगे बढ़े तो एक इल्मी मतलब यहां पर इशारा करता हुआ आगे बढ़े। वो इल्मी मतलब ये है जिस तरह जो हजरात, अब ये सिर्फ हवाले के तौर पर कर रहा हूँ, जो हजरात शेख आज़म अंसारी की रसायल तक पहुंच गए हैं या पढ़ चुके हैं तो रसायल का आगाज जहां से होता है वहां मजारी उसूल अमलिया की तकरीरें शेख ने दो तरह से की हैं। बिल्कुल उसी तरह मैंने तशबीह के लिए अर्ज किया, उसी तरह बाद हजरात ने उलमा इल्म अखलाक ने नफ्स की कुव्वतों के बयान में भी दो तरह से तकरीरें की हैं। एक नफ्स की तकरीर यह है कि जो मैं मुसलसल अर्ज कर रहा हूं कि नफ्स की तीन बुनियादी कुव्वत हैं, कुव्वत आकिला, कुव्वत शहवानिया और कुव्वत गज़बिया, या उसे नफ्स नातिका और नफ्स सबईया और नफ्स हैवानिया शहवानिया कहने आता। और इन तीनों के नकात एतदाल हिकमत इफ्फत और शुजात है, और इन तीनों का नुक्ता एतदाल अदालत। एक तकरीर ये भैया पहली मंजिल में सुलासी तकसीम है तीन, दूसरी तकरीर इसके बरक्स है। नताइज में इतना फर्क शायद ना हो लेकिन बहरहाल इल्मी एतबार से एक बात अर्ज कर, वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर इंसान में दो कुव्वतें पाई जाती हैं इल्मी अमली। इल्मी कुव्वत का दर्जा एतदाल या कमाल हिकमत है और अमली कुव्वत के दर्जा एतदाल या कमाल का नाम अदालत है। तो सुनाई तकसीम हुई। फिर कहते हैं ये जो अमली कुव्वत है ये भी दो हिस्सों में तकसीम हुई, या अपनी जात को बचाना है गैर से दुश्मन से हिफाजत करनी है या अपनी जात की तकवियत करनी है। दो ही सूरतें, तकवियत करने के लिए इफ्फत की कुव्वत होनी चाहिए, हिफाजत के लिए शुजात की कुव्वत होनी चाहिए। तो ये सुनाई तकसीम है। अब ये क्यों है क्या है इस्तदलाल, ये सिर्फ एक इल्मी हवाला था देकर आगे बढ़ो। आज की निशस्त में हिकमत के ताल्लुक से भी थोड़ी सी बात आगे बढ़ाकर गुफ्तगू को खत्म करते हैं। हिकमत की कुव्वत को किस तरह तक़वियत दी जाए और कितना इल्म इंसान हासिल करे, कौन सा इल्म हासिल करे, कौन सा इल्म पहले हासिल करे, सबसे पहले कौन सा इल्म हासिल करें, किस तरह शख्सियत में वो जौहर पैदा हो सकता है या निखर के सामने आ सकता है जिसे जौहर हिकमत कहते हैं। असल तो जौहर आपकी जात है, ये सब उसके आवारिस हैं, ये अलग बहस है कि हमेशा जौहर पर जौहर जो है मौजू बनता है और आरज उस पर महमूल होता है। तो जौहर तो आपकी ज़ात है, इस जौहर ज़ात को नूर हिकमत से किस तरह मनवर करें, यहाँ पर मैं अर्ज करूंगा कि हर शख्स में
और अशखास की तशखीस तजवीज़ और ख़ुद अपने नफ्स की तशखीस और तजवीज़ से बात शुरू की जाए। ये देखें कि अव्वलियात और बदीहियात रोशन है या नहीं। अव्वलियात, फितरियात, बदीहियात, ये रोशन है या नहीं, यानी इंसान दो और दो चार समझता है या नहीं। देखिए ये बहुत बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं। मुझे नहीं मालूम आप हजरात अपनी जिंदगी के मामलात में ऐसे कितने लोगों से मिले हैं। मैं मिला हूं ऐसे लोगों से जो वाकई दो और दो चार नहीं समझते, यानी लिटरली 2 + 2 = 4। इसको जब अमली जिंदगी में आप आएंगे तो देखेंगे कि लोग नहीं समझते हैं और नहीं बरतते हैं और बरतना नहीं चाहते हैं और समझ के नहीं बरतना चाहते हैं। और बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते, वहां है कसूर अक्ल। अब स्कूलों में बच्चों का आईक्यू टेस्ट होता है, किस लिए होता है, किस नुक्ता नजर से होता है। हर शख्स अपने अपने अपनी अपनी कुव्वत आकिला या अपनी इंटेलिजेंस का इम्तिहान खुद करें और देखें कि उसके अंदर सवाबित यानी साबित हकीकत और मुसल्लमात इसका कितना इल्म है किसको। जितना आपके आपके वजूद में, आपकी शख्सियत में, आपके ज़र्फ़ वजूद में, आपके कल्ब में, आपके ज़हन में जितने साबित हकायक होंगे, उन साबित हकायक से जितनी आपकी शख्सियत का ताल्लुक होगा, आपकी शख्सियत का जितना ताल्लुक होगा, वहां से आपकी अखलाकी कुव्वत की नश्वनुमा होगी। बीज जमीन में डालते हैं और फिर उसको सूरज की रोशनी मिलती है और पानी और नमी मुनासिब मिल जाती है तो बीज से अखवा फूटता है ना, वही अखवा शजरे सायदार बन जाता है। ये अखलाक शजरे अखलाक का अखवा कहां से फूटेगा। आपके अंदर साबित हकीकतों का जितना इदराक होगा, और सिर्फ इदराक नहीं, उस इदराक पर आपको कितना यकीन होगा, उस यकीन के एतबार से आपके अंदर कुव्वत अखलाकी पैदा होगी। अब यह कुव्वत अखलाकी यहीं से दो हिस्सों में बढ़ जाता है इंसानी मुआशरा। बहुत से लोग हैं उन्हें मादी हकायक पर पूरा यकीन है और उसी एतबार से जमीनी हकायक मादी हक, वो कहते हैं हम हकीकत पसंद हैं, हमारा तो बिल्कुल हकीकत पसंदाना अप्रोच है। ठीक है हकीकत पसंदाना अप्रोच है, लेकिन आप कुल हकीकत किसको समझ रहे हैं, जमीन को, मादी को। जो लोग इसी मादी कायनात को कुल हकीकत समझते हैं और उसी पर ईमान रखते हैं, उनके यहां भी अखलाकियात है, लेकिन वो अखलाकियात फुतूहत तक नहीं पहुंच सकते। वो अखलाकियात दार आखिरत के दरवाजे नहीं खोल सकती, वो अखलाकियात बहिश्त को वजूद में नहीं ला सकते। इस दुनिया में बड़ी हद तक वो अखलाकियात कामयाब भी हो सकती है। ये अखलाकियात जो साबित हकीकतों को मादी हकायक तक महदूद नहीं समझती, बल्कि मुजर्रद हकायक को भी दर्क करती है, उसका भी परसेप्शन रखती है, उसका भी इल्म पैदा करती है, उसका भी ताक़ुल पैदा करती है, और
उस पर पूरा यकीन पैदा करती है, वो अखलाकियात फुतूहत तक पहुंचाती है, वो अखलाकियात खुल्द की तख्लीक करती है, वो अखलाकियात बहिश्त को वजूद बख्शती है। आकाश मेरे इन जुमलों का गैर अदबी मफहूम ना लिया जाए, बहिश्त मौजूद है, हक सुभानहु व तआला ने जो जन्नत तख्लीक फरमाई है वो है, लेकिन मैं जिस मफहूम के साथ अर्ज कर रहा हूँ वो मेरा ख्याल है आप हज़रात के सामने रोशन है। जमीन हकीकत है, ये सूरज भी हकीकत है, मगर मैंने इससे पहले ही अर्ज किया था कि सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा रोशनी अक्ल में पाई जाती और अक्ल के नूर से कहीं ज्यादा नूर वही में पाया जाता। सूरज रोशन है मगर सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा रोशनी आपकी अकल की रोशनी। आपकी अकल की रोशनी वो रोशनी है जो सूरज की रोशनी को रोशनी समझती है। सूरज की रोशनी तो वो है कि वही साया भी बन जाती है। कैफ मद्द फिल, ये सूरज की रोशनी ये साया पैदा करती है, अकल की रोशनी बेसाया है और वही की रोशनी उससे भी बेपनाह है। तो मुजर्रद हकायक का अगर इल्म है और यकीन है, यकीन है। अब यहां पे अर्ज करूं कि दो बातें मैं मुसलसल अर्ज करूं, बार बार जोर दे रहा हूं, हकायक का इदराक और इल्म और फिर उससे ताल्लुक आपका। बहुत सी चीजों का आपका आपको इल्म होता है लेकिन आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी को आम मजहबी जबान में एतिकाद कहते हैं और मैं लफ्ज एतिकाद से परहेज करना चाहता हूं, इसलिए मैं हकायक कहता हूं। अकायद के बजाय हकायक से आपका ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि आपने जब एक बार पहचान लिया ये हकीकत है तो आप उस हकीकत के वफादार रहें और कभी भी उस हकीकत से आपका ताल्लुक टूटने ना पाए। हकीकत पर यकीन जायल ना होने पाए। ये हकीकत पर यकीन जायल अगर हो गया शख्सियत की शिकस्त है। हकीकत पर यकीन पैदा हुआ, ये हकीकत है, इल्म हुआ, अब इस हकीकत से आपका ताल्लुक बरकरार रहे यानी वफादारी बरकरार रहे। इसीलिए शायरी में वफादारी की जो भी तशरीह हो, जो भी तारीफ हो, वस्फ वफा सिफत वफा की इल्म फुतूहत में तारीफ यह है, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के अहद को पूरा करना वफा है। असल वफा यह है कि तौहीद हक समदी के साथ वफादारी करती, अहद को पूरा किया जाए। मिनल मुमिनीन रिजाल सदकू मा आहदुल्लाह अलैह, मुमिनीन में से सब मुमिनीन नहीं, सब में फुतूहत नहीं पाई जाती, मुमिनीन में से कुछ वो हैं, मिनल मुमिनीन रिजाल, मुमिनीन में से कुछ ऐसे जवां मर्द हैं जो अपने रब से किए हुए अहद को पूरा कर दिखाते हैं। तो अहद है, हक है, हकीकत है, हकीकत को पहचान लिया, इस हकीकत से एक ताल्लुक कायम हुआ, ये ताल्लुक टूटने ना पाए, ये यकीन जायल ना होने पाए। अगर ये यकीन जायल हो गया तो सिफत हिकमत वही नीच तो नाबूद हो गई। सवाबित का इल्म, हकायक का इल्म, और वो भी किस तरह से इल्म, दो दो चार की
इंसान अखलाकी सतह पर, इल्म अखलाक की जबान में हम ये कहेंगे कि इंसान को अव्वलियात, मुशाहदात, तजरबियात, बदीहियात, फितरियात, हदसियात, विजदानियात, ये उसके लिए कम से कम क्लियर हों। अब जाहिर है ये इस्तलाह मंतिकी में मजबूर हों, ये बाद में इसकी हम वजाहत और करेंगे, बगैर वजाहत के बाद पूरी नहीं होंगी। अव्वलियात मतलब अव्वलियात से क्या मुराद है? अव्वलियात ये कि आप वजूद को मौजूद समझें। ऐसे भी फलसफियों के नाम आपने जरूर सुने होंगे कि जो सोचते हैं पता नहीं मैं हूं कि नहीं हूं। फिलॉसफी की किताबें पढ़ी हैं, ये सब बहसें। अब ऐसी बातें शायरी में तो अच्छी लगती हैं कि हज़रत ग़ालिब ने मसलन कह दिया कि हर चंद कहें कि है नहीं है, अब आप उसको जिस सतह पे ले जाएं, लेकिन हकीकत की दुनिया में, हकीकत की दुनिया आप हैं, अपने वजूद को तस्लीम कीजिए, आपके कदमों के नीचे जमीन है, इस हकीकत को तस्लीम कीजिए, आपके सर पे आसमान है, इस हकीकत को तस्लीम कीजिए, कायनात में आफ्ताब है, इस हकीकत को तस्लीम कीजिए, आपके इस वजूद के खारिज में आफ्ताब है, इस हकीकत को तस्लीम कीजिए, आपके इस वजूद के दाखिल में एक आफ्ताब है जिसका नाम अक्ल है, उस हकीकत को तस्लीम कीजिए। यह सूरत, इसकी किरणें कुछ चीजों को रोशन करती हैं, आप उसका इनकार ना कीजिए। उसी तरह अक्ल जिन चीजों को रोशन करती है, आप उसका इनकार ना कीजिए, वहां शक और शुभा पैदा ना हो। सवाबित मौजूद वजूद को मौजूद मानिए, ये अव्वलियात में से है। अब यहीं से आप समझेंगे बहुत से लोगों में बुनियादी अखलाकी कमजोरी क्या होती है, वसवासी हो जाती है, वहम वसवास, हर चीज में शक, ये वहम वसवसा शक। वहम जो इल्मी इस्तिलाह है वो नहीं है यहां मुराद मेरी, उर्दू में जो आप हज़रात वहम इस्तेमाल करते हैं, वरना कुव्वत वहमा और वहम एक हकीकत है मुस्बत। वसवसा शक शुभा, इससे नजात दीजिए। अखलाकी हिकमत जिस शख्स में हो, पहली कुव्वत अखलाकी का इजहार और नशोनुमा क्या होगा कि इंसान में हद से ज्यादा शक पैदा ना हो, शुभा पैदा ना हो, वसवसा ना पैदा हो। शख्सियतों के बारे में भी, नमाज और रोजे और तहारत के शकूक से लेकर, और शख्सियतों कोई भी मिला पता नहीं है मेरा दोस्त है, मेरे पता नहीं ये नेगेटिव है पॉजिटिव, और ज्यादातर नेगेटिव सोचना हर बारे में, हर एक के बारे में, ये हमारे माशरे का आम मरज है, मरज ये मरज बहुत आम है। बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग, सईद हैं वो लोग, सआदतमंद हैं वो लोग जो दूसरों के लिए सबसे पहले मुस्बत ख्यालात और नजरियात रखते हैं। ये अखलाकी कुव्वत है, ये हुस्न है अखलाक। किसी शख्स को देखा आप उसके बुराई बुरी बातें सोचने लगे उसके बारे में, क्यों, जवाब क्या, सबसे पहले अच्छे तवक्कात रखी, वो जो आम एक लफ्ज है बी पॉजिटिव, हाँ ये अच्छी बात है। मुआमलात जिंदगी से लेकर और मंतिकी और फलसफियाना और ईमानी हकायक तक इंसान सवाबित का इस तरह से कि उसमें अव्वलियात से नजर हटने ना पाए। अव्वलियात में मसलन ये भी है कि नकीदैन का इस्तेमाल मुहाल है, ये कदिया रोशन होना चाहिए और इसे जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में इसका इतलाक करना चाहिए, बरतना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए।
نقيضين، اجتماعي نقيضين محال. أوليات میں سے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اس وقت یہ لندن میں، ویمبلی میں، سڈبری میں اس وقت 9:25 رات کے ہو رہے ہیں. یعنی اس وقت دن نہیں ہے، رات ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں اس وقت ایک ہی آنے واحد میں دن بھی ہو اور رات بھی. البتہ بہت سے لوگ دن اور رات کی مثال کو حقیقی نہیں بلکہ اضافی سمجھتے ہیں، اضافی و نسبی سمجھتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ مثال پرفیکٹ ہے. ایک ہی وقت میں دن اور رات جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی ظرف زمان و مکان میں؟ نہیں. یہ چیز روشن ہونی چاہیے، اور یہ چیز زندگی کے بہت سے مسائل میں کام آتی ہے. چونکہ وقت تقریباً گزر چکا ہے، اسے ہم عملی مثالیں اس وقت اب نہیں دے رہے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. عملی مثالیں سوچیں کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں، گھر میں، روزمرہ کی زندگی میں، دین میں، مذہب میں، اقتصاد میں، بازار کی زندگی میں، سیاست کی زندگی میں، کہاں کہاں اس مسئلے کو برتتے ہیں، اور کہاں کہاں یہ مسئلہ اولیات میں سے. یہ پوری، بعض حضرات تو شدت کے ساتھ کہتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ذرا مبالغہ آمیز بیان ہے، لیکن کچھ ایسا مبالغہ آمیز بیان بھی ہے. آپ مبالغہ آمیز بھی نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پوری حکمت کی اساس اس قضیت پر ہے کہ نقیضین کا اجتماع محال ہے. یا دن ہے اس وقت یا رات ہے. رات کو رات کہنا حکمت ہے، دن کو دن کہنا حکمت ہے. اور یہ سمجھنا کہ ایک ظرف زمان و مکان میں رات و دن مجتمع نہیں ہو سکتے، یہ حکمت ہے. اور اس میں شک میں مبتلا ہو جانا کہ پتہ نہیں اس وقت رات ہے کہ دن، یہی برخلاف حکمت ہے، یہی صفاحت ہے، یہی سفسطہ ہے، یہی ابلہی ہے. آگہی سے ابلہی تک بہت زیادہ فاصلہ بھی ہے، اور کچھ ایسا فاصلہ بھی نہیں. آگہی سے ابلہی تک بہت زیادہ فاصلہ ہے، اور کچھ ایسا فاصلہ نہیں. حکمت ہی کے مسائل میں وہ بات بھی آئے گی جو ہمارے ایک بہت ہی مجھے پسند ہیں، عظیم شعرا میں ان کا شمار نہ ہوتا ہو، لیکن اچھے متوازن بہت سندر شاعر تھے، حضرت عزم لکھنوی. وہ فرما گئے ہیں کہ سمجھنا آ گیا وائز کو، سمجھانا نہیں آیا. سمجھنا آ گیا وائز کو، سمجھانا نہیں آیا. اسی سے اس کی جانب کوئی دیوانہ نہیں. علم سمجھنا پہلے اور پھر سمجھانا، یہ سب قوت حکمت کو نشو و نما دینے کی باتیں ہیں. اور اگر قوت حکمت کو ہم نے نشو و نما دے دیا، اس کی پرورش کی، تو پوری اخلاقی شخصیت اس کے زیر سایہ پروان چڑھے گی. اور یقیناً بعض یا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے حکمت سے بھی پہلے عفت کی صفت پہ زور دینے کی بات ہوگی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے شجاعت کی صفت کو حد اعتدال تک لانے کی ضرورت ہوگی. یہ اپنے حسب حال ہر ایک کو اپنی شخصیت کا جائزہ لینا چاہیے. حکمت کی بحث کے تعلق سے حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ حسین علیہ السلام، اللہ صلی اللہ محمد کہ اس فقرے کو بیان کر کے میں اس کا ذکر کر کے اس گفتگو ختم کروں کہ آپ نے فرمایا ہے دراسۃ العلم لقاء المعرفہ. علم دراسہ یعنی علم کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا. علمی اشتغال یہ انسان کے اندر معرفت پیدا کرتا ہے، حقائق کی پہچان. ایک ہے حقائق کا علم، ایک ہے حقائق کی پہچان. جو کچھ کانٹ نے تنقید عقل محض میں لکھا ہے،
उसका निस्फ से ज्यादा हिस्सा मौला इमाम हुसैन के इस जुमले में से उठा हुआ दिरासतुल इल्म लिकाहुल मारिफा। आज बस इतना ही इंशाअल्लाह हज़रत सैयद शहदा मुआविदा हुसैन अलैहिस्सलाम के फैज से खमसा नजबा के फैजान से खुसूसियत के साथ باب مدينة العلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام صلى الله مدينة العلم سرور الكائنات سيد الموجودات أبو القاسم المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كيف فيضان كرم سي إن شاء الله هم استفادة کرتے رہیں گے تو یہ سفر اخلاقی اور عرفانی یقیناً اپنی منزل تک پہنچے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ